ये देखो ये देखो। ये क्या ये कौन बैठा है? वो ये कौन बैठा है? कौन है? हाय, मेरा नाम ओम और आज मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज। और वो चैलेंज ऐसा है कि मुझे ना एक हॉन्टेड फॉरेस्ट में, एक हॉन्टेड जंगल में जाके ना 12 घंटे बिताने हैं कार के अंदर ही, कार से नहीं उतरना है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह जाने के लिए मुझे कैसे रोड से निकलना पड़ रहा है और उस जंगल की स्टोरी क्या है, मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बताऊँगा। फिलहाल मेरे साथ चलो उस जंगल तक। रास्ते देख पा रहे हो तो रास्ते कुछ ऐसे है और वैगनार से मैं ऐसे वैगनार में थार वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे रास्ते हैं, रास्ते बहुत खराब हैं, हम चल रहे हैं उस तरफ। ओ सामने से गाड़ी आ रही है और पीछे दिखाऊं मैं तो पीछे पूरी धूल उड़ रही है। हे भगवान, इस बाइक वाले को धूल धूल में फंस जाएगा, इसलिए मैं वो गाड़ी। और जंगल तक पहुंचने के लिए ऐसे कच्चे रोड से गुजरना है, बस दिक्कत ये है कहीं ये आज की वीडियो होने वाली है वो एक नंबर होने वाली है, खतरनाक होने वाली है। और बहुत दिनों बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गाड़ी फंसी 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 रहा था और गाड़ी मुझे लग रहा कि फंस ना जाए। निकल गई क्योंकि ये जो बीच का है काफी उठा सा है और मेरी गाड़ी फंस ना जाए बस। हे भगवान, निकालो इस गाड़ी को, रक्षा करो प्रभु। हे प्रेमानंद, हे महाराज, जल्दी। ओहो, गाड़ी लग रही है नीचे से पूरी तरीके से। ओहो गाइस, बहुत गंदी तरीके से गाड़ी फंस ना जाए, बस फंस ना जाए। तो गाइस अभी तो शीशा आगे का पूरा गंदा पड़ा है मिट्टी मिट्टी से, तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल मैं जंगल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे ये जो रास्ते दिख रहे हैं ये वन विभाग वाले, ये गाड़ियाँ जाती हैं उनके ये रास्ते हैं। मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पे कुछ भी दिख सकता है। ये दिन अभी शाम का टाइम हो रहा है तो रुकेंगे यहाँ पे एंड कहीं पे गाड़ी लगा के रुकेंगे। अब किधर लगाई जाए गाड़ी ये देखना पड़ेगा। गाइस जिस जंगल में आया हूँ उस जंगल में घूमते एक रक्त पिचास नहीं है जो ना इंसान में खून भी जाती है। एक स्टोरी यहाँ की है, एक लड़की थी गांव की, बहुत सुंदर लड़की, उसको गांव के लड़कों ने कुछ उठा के इस जंगल के अंदर लाके उसके साथ दुष्कर्म किया एंड उसको इस जंगल के अंदर जला दिया। लेकिन ना उसकी जो बॉडी थी वो पूरी नहीं जली, वो आधी जली और वो लोग वहाँ से चले गए थे। कहते हैं कि जो यहाँ के जानवर थे उसकी बॉडी बाहर बाहर ले गए, हाथ वाथ बाहर बाहर ले गए, तो गांव वालों को पता लगा, कपड़े उपड़े जान पहचान हुई कि वो जो लड़की मिसिंग है उसको किसी ने मार के यहाँ पे फेंक दिया है, लाइक जला दिया है। बाद में लड़के पकड़े उकड़े गए तो उन्होंने सब कुछ बताया कि हाँ, हमने उसका दुष्कर्म किया था एंड उसको हमने जलाने की कोशिश की बट वो जली नहीं पूरी तरीके से। और जानवर बोले, जानवर जो होता है मांस उनके लिए, वो उसको उठा के ले जाते हैं। तो भाई जंगल कुछ ऐसा है, खतरनाक है, रक्त पिशाचनी। और जो कहते हैं उसके बाद ना कोई भी लड़का यहाँ पे दिखता है ना तो जो लड़की है ना वो उसको मार देती है, उसका खून पी जाती है, उसको कमज़ोर बना देती है। तो इस जंगल में रुके हैं और मैं आपको ना देखो, अब मेरे को क्या है कि मेरे को ना 12 घंटे तक इस गाड़ी से नहीं उतरना। अगर मेरे को एक नंबर जाना, दो नंबर जाना, कुछ भी करना है, मैं इस गाड़ी से करना है, तो मेरे को गाड़ी से नहीं उतरना है। तो मैं आपको गाड़ी उतरूंगा नहीं, वैसे दिखाता हूँ जंगल कैसा है। एक अजीब सी वाइब्स है आते ही जंगल में, गर्मी गर्मी सी लग रही है। आपको एक बार जंगल दिखाता हूँ जंगल कैसा है। मैं गाड़ी के ऊपर हूँ, अगर आपको दिख रहा हो जंगल तो कुछ इस प्रकार का जंगल है। और अभी तो है दिन, अभी इतना कुछ नहीं लग रहा है बट सुनसान जंगल, कोई है नहीं और जान का खतरा, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा आप लोग साथ में है ना, और
बिताते हैं यहाँ पर टाइम पास। ये देखो तो ये कोई जंगलों के अंदर चल रहा है, ये देखो तो ये थोड़ा सा सेफ्टी के लिए दिक्कत हो सकती है कि जंगलों के अंदर यहाँ पे अगर मैं 12 घंटे का चैलेंज तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रिस्क ये है कि ना यहाँ पे लोग ना कुल्हाड़ियाँ लेके घूमते दिख रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि जंगलों से लट्टियाँ चोरियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं वो लोग। ये कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है बट ये देखो ये जहाँ पे रेड उससे कुछ ये दिख रहा है, कुछ जला के कुछ रेड रेड जला के वो जंगलों के अंदर घूम रहे हैं और किसी पास कुल्हाड़ी है किसी पास कुछ है। तो भाई गाइस ये भी दिक्कत हो सकती है कि क्या पता ना ऐसे भूत प्रेत के नाम पे लकड़ियाँ चोरी हो ताकि कोई अंदर ना आए, ये सिस्टम भी हो सकता है। क्या है क्या नहीं अपना वेट करना पड़ेगा, आपको जान बितानी पड़ेगी तब जाके कंफर्म होएगा। गाइस वो देख रहे हो वहाँ पे वो लाइट जला के लोग हैं, ट्रक जंगल के बीच में आए हुए हैं और वहाँ पे ना वो चोरी की जो लकड़ी है वो उस ट्रक के अंदर डाली जा रही है। पुष्पा वाली जो मूवी देखी होगी ना सेम वही सीन मेरे आंखों के सामने चल रहा है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके पास वर्दी सब कुछ होती है, हथियार होते हैं, बंदूकें होती हैं, उनकी गाड़ियाँ होती हैं, बट यहाँ पे देखो ट्रक लाइट जलती हुई दिख रही होगी, ये थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत कर रहा है बाहर की तरफ से। वो देखो वहाँ पे वो ट्रक उसके पीछे छुपा रखा है उस झाड़ियों के पीछे, दिख भी नहीं रहा होगा आपको वो ट्रक। थोड़ा सिस्टम है वहाँ पे लोग जंगल में शीशम के पेड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए उनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे वो चोरियाँ हो रही हैं। दिन के टाइम तो सब लोग हैं यहाँ पे, वो चोरी करने वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे रात हो रही है धीरे धीरे वो अपना ट्रक लेके अब जाने की सोच रहे हैं, और कई लोग सोच रहे हैं भाई तुझे कहना था कि वो चोर है। भाई देखो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो ना ऐसे आते हैं जंगलों में ना, उनके पास पूरी बंदूक बंदूक होती है सेफ्टी करते हुए, उनके एक ड्रेस होती है अलग सी, उनकी गाड़ी पे लिखा दिखा दिखा हुआ लग जाएगा, उनकी गाड़ी के आगे वो ब्लू लाइट और रेड लाइट होती है, मतलब सेफ्टी के साथ आते हैं। ऐसे चोरी छिप पे काम नहीं करते कि जहाँ पे ट्रक खड़ा है उसके हर तरफ झाड़ियाँ लगा रखी हैं ताकि ट्रक किसी को दिखे नहीं। अब ट्रक गया, देखो अगर कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे गाड़ी में बैठ के, तो जो ट्रक की लाइट जल रही थी वो कर दी बंद, अब वहाँ पे फटाफट वो जो उस तरफ वो झाड़ियाँ उसके उस तरफ फटाफट लोग लकड़ियाँ डाल रहे हैं, ये देखो यहाँ इसके उस तरफ से लकड़ियाँ उठा उठा के अंदर ट्रक में डाल रहे हैं। तो वो भी है क्योंकि वो लोग जो लकड़ी चोरी के गैंग वो अपने देखा होगा बहुत गंद, 2 मिनट में किसी को यूँ टपका दे, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ उनके लिए। तो थोड़ा सा रिस्क ये है यहाँ पे, बाकी बहुत प्रेत तो मैं निपट लूँगा, बट इन लोग से अकेले रह के निपटना थोड़ा रिस्की होएगा, थोड़ा सा बहुत रिस्की होएगा। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बिताई जाए रात, क्योंकि अब मैं दिखाऊँ हो रहा है एंड देखते हैं वेट करते हैं पूरा अंधेरा होने का। गाइस एक बंदा दिख रहा होगा फोन की लाइट जला के मेरी तरफ ही आ रहा है, वो देखना चाह रहा था कि गाड़ी में कौन है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हॉरर इन चैनल। बहुत जोर की घर के आसपास होगी और मैं मतलब गोभी अंधेरा हो चुका था आपको दिखाता हूँ। सीआर किस तरफ चिल्ला रहे हैं पता नहीं बट अंधेरा आप देख रहे हो कि पूरा अंधेरा हो गया है, 8 बजे के लगभग टाइम हो चुका है।
और अब मुझे वेट करना है उस रक्त पिशाचनी का। मैं जिस यार पता नहीं कहाँ पे हैं बट उनकी आवाज़ें आ रही हैं, बस अगर गाड़ी के आस पास में है। अभी मैं चल रहा हूँ रास्तों की तरफ, तो यार इसको देख के मैं डर गया कि ये क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अजीब है कुछ यहाँ पे, इसको देख के मैं डर गया। और ये देख रहे हो पेड़ काट काट के यहाँ पे फेंक रखे हैं, वो पेड़ वहाँ काट रखे हैं, रिस्की है, पूरा रिस्की है यहाँ पे। मैं बहुत आराम आराम में चल रहा हूँ, मैं जंगल में रहूंगा, जंगल में ही वो रात बिताने वाला हूँ, बट इधर उधर घूम के मतलब सेफ्टी के साथ यार, ऐसे नहीं हो कि कहीं पे भी बैठ जाएंगे या फिर ओ भाई वहाँ पे क्या है उस पेड़ के पास, उस पेड़ के पास कुछ है, आई डोंट नो जैसे कोई बैठा है कि क्या है, बट ये कुछ है। ये देखो गाइस, मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ, पता नहीं क्या है, ये मेरी आंखों का बहम है गाइस, इस तरफ देखने में डर लग रहा है। सोच सकते हो यार अकेले जंगल में कैसी पूरी रात बिताऊंगा मैं, वो समझ नहीं आ रहा है। वो ये क्या है, ये क्या है, ये कौन बैठा है, वो ये कौन बैठा है, अरे यार ये कौन है, ओह शिट यार ये कोई मोटर है और मैं इसको देख के डर गया, यहाँ कोई खड्डा हुआ पड़ा था पानी निकालने के लिए कुछ करने के लिए, ये मोटर रखी, मैं उसको देख के डर गया यार। कैसे मैं यहाँ पे आ गया और मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को मैं यहीं कहीं रोकता हूँ और यहीं पे ही अपना टाइम बिताऊँगा, तो मैं गाड़ी यहाँ पे रोकता हूँ। कैसे देख लोगे आप जंगल, हर तरफ सुनसान, कहीं पे भी कोई नहीं है, वो रक्त पिशाचनी कहाँ है बस वो देख रहे हैं यार, क्या वो दिखती है, क्या वो अपने होने का एहसास करवाती है, वो करते हैं फिर देखते हैं यार। मैं यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोचता था क्या करूँ मैं, फ़ोन पे इधर उधर टाइम पास करके वीडियोस यही सब देख रहा हूँ, और फिर अचानक से ना उस तरफ से मैं बोल रहा था पेड़ की तरफ से जैसे कोई खर 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 जैसे कोई मेरे पास आ रहा था, वो आवाज़ आई, तो मैं जस्ट लाइट निकाल के वो देख मतलब ऊपर चढ़ा तो कोई दिखा नहीं, इसी आवाज़ की बात कर रहा हूँ, एक पैरों किसके पैरों चलने की आवाज़ आ रही है, अब वो कोई जानवर है या फिर कोई शख्स है, मैं एक बार ऊपर चढ़ के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस मैं गाड़ी के ऊपर हूँ और मैं हर तरफ कैमरा कर दे रहा हूँ, इस तरफ से जैसे किसी के चलने की आवाज़ थी, मेरे पैर गाड़ी के ऊपर ही हैं, गाड़ी पूरी गंदी हो गई, मिट्टी मिट्टी, ऐसे लग रहा था ऑफ रोडिंग करके आया हूँ, पूरी गाड़ी पूरी गंदी। कोई है कोई है गाइस, दिख तो कोई नहीं रहा बट अगर कोई हुआ तो फिर दिक्कत आ सकती है, मेरे को ही आ सकती है यार।
पर दिख तो कोई नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा है गाइस। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है ना, ठंड बढ़ती जा रही है, और गाड़ी के अंदर ना ऐसा लग रहा है कि ना ये मैं किसी बर्फ के अंदर बैठा हूँ। अब ये गाड़ी भी ठंडी होती जा रही है, मुझे गाड़ी चला के रखनी पड़ेगी। कुछ कुछ देर मैं चला चला के भी रखूँगा ताकि हीटर चलाऊंगा गाड़ी का। और टाइम देख रहे हो आप, 9:11 टाइम। आपको थोड़ा कुछ खा लीजिए, खाने के यहाँ पर खाना वाना कुछ नहीं मेरे पास, यहाँ पे कुछ मिला नहीं। 2-3 चिप्स के पैकेट मिले हैं तो वो खा के मुझको पूरी रात निकालनी है, वो खा लेता हूँ। बाकी सुबह से अभी शाम से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि डर बैठ गया मन में। पता नहीं मेरे को लगा कि उस तरफ से कोई चल रहा था, अजीब है यार, सच में बहुत रिस्की है यहाँ पे। बैठते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं कोई आए। कोई तो रक्त पिशाच नहीं आए जो मेरा खून पी के जाए। मजा भी मजा भाई, ऐसी चीज़ ना हॉन्टेड लोकेशन पे नहीं बोलनी चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। और मैं मजाक मजाक में ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं भी बड़ा बोल। चलो बैठते हैं। जानवर है इसका, वो गाड़ी पे ना हाथ पर मार रहा है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हॉरर इन चैनल। यार रिस्की हो सकता है, अगर मैं ना ऐसे उतर के देखूंगा बाहर तो वो देखना रिस्की होगा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। किसी के चलने की आवाज आ रही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हॉरर इन चैनल। कोई कोई है जो चल रहा है, ठुक 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 कोई आवाज आ रही है। भगवान का नाम लेते हैं, मेरे को गाड़ी से अगर नीचे उतर गया तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। गाड़ी से नीचे उतरूंगा, गाड़ी के इस गेट पे यहीं पे खड़े होके दोबारा से फिर से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या है अगल बगल में। हिम्मत नहीं हो रही एक बार को यार, क्योंकि ना लाइट मुंह पे पड़ रही है ना तो इधर उधर का अगल बगल का अब देख रहे होगे। अगर मैं शीशे के उस तरफ का बिल्कुल भी दिख रहा नहीं रहा है, बट अगर मैं देखता हूँ यार कंफर्म करने के लिए। गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अगर कोई जानवर होता कुछ भी होता तो गाड़ी की आवाज़ सुन के एक बार कुछ सुन के वो हट जाता। तो देखो कहीं पर भी
कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा है। कितना अच्छा, कितना नेचर वो लग रहा था मस्त, बट अब लग रहा है कि कोई रक्त पिचासनी वहाँ से निकल सकती है, वहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, कहीं से भी आ सकती है, किसी तरफ से भी वो रक्त पिचासनी निकल सकती है। तो गाइस मैं हूँ यहाँ पे और गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी में बैठने का फ़ायदा ये है कि यार थोड़ा सेफ भी है और हम यहीं पे हैं और देखते हैं। ये आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर की, मैंने शीशा ना इसको नीचे किया ताकि वो आवाज़ ना अंदर आए गाड़ी तक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आवाज़ तो इतने में आ जाएगी किसी का हाथ ना आ जाए अंदर। गाड़ी में लॉक कर देता हूँ, वो आवाज़ दोबारा आए। ये देखो ये जावड़ी की आवाज़ है, ये जो आवाज़ आप देख रहे हो ना, ये देखो डरावनी लगती है, ऐसा लगता है कोई औरत चिल्ला रही है, बट ये भालू की आवाज़ है, ये भालू की आवाज़ है, ये भालू की आवाज़ है, कन्फर्म है ये भालू की आवाज़ है, काफ़ी दूर से आ रही है, ये भालू की है। जंगली जानवर तो है यहाँ पे पर बाकी और जानवर दिख गए तो दिक्कत हो सकती है। जिस मैंने कैमरा ऑन किया और उस तरफ मेरे को बार बार ऐसा लगा लेफ्ट साइड की तरफ से ना कोई है जो जा रहा है, बार बार जा रहा है। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो चुका गाइस और 12:36 वक्त का ये क्या है पता नहीं, बट ये गाड़ी का गेट अपने आप खुला, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ से वहाँ तक उठ के जाना है और ये गाड़ी का गेट बंद करना है। आई डोंट नो किसने खोला है। हवा से नहीं है, हवा नहीं है इतनी तेज, कुछ अजीब ही था। कोई है? कौन है? कौन है? कौन है? यार कोई दिख नहीं रहा है बट वो अपने होने का एहसास करवा रही है। क्या पोई लड़की है? तो प्लीज इस गेट को मत खोलो, मैंने आपका कुछ भी गलत नहीं किया था, आप मेरी बहन जैसी हो। यार वो नहीं समझेगी, वो खून की प्यासी हो चुकी है, उसके लिए ना हर लड़का एक नफरत के रूप से देख रही है वो लड़ा लड़के को। गाइस ये इसी से मैं दिख रहा होगा मैं हूँ और ये अजीब सा डर है यहाँ पे। ये मेरी गाड़ी की डिग्गी खुल गई और ये वैगनार है, कोई भाई ओडी वोडी नहीं कि इसमें रिमोट सिस्टम है और उससे खुल जाए बंद हो जाए। क्या हो रहा है सर, मेरे को कोई ना गाड़ी से नीचे उतारना चाह रहा है, जो भी है वो चाहती है मैं गाड़ी से नीचे उतरूं। ये बंद हुआ,
कैसी बंद हुई, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। सेट यार, भाई मैं गाड़ी थोड़ी सी यहाँ से आगे कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आ गया था और घूम रहा हूँ इधर। भाई मैं इधर ही राउंड लगा रहा हूँ, कहीं पे कोई मैं ये करता हूँ, मैं उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे था, बट मैं अपना गाड़ी इस तरफ लगाऊंगा ताकि वो जो चीज़ जो दिख रही थी वो मेरी तरफ से दिखे और मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ, कोई चल रहा है तो उसको फील कर पाऊँ, लाइक उसको दिखा पाऊँ आप लोगों को। यार ये वैगनार वाले अगर मारुति सुजुकी वाले मेरी गाड़ी देख रहे हैं तो देख लो आपकी गाड़ी में ऐसी ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा पर ब्रांड एम्बेसडर जो भी होता है वो बना दो मेरे को यार, पैसे पूछे दे दो। तुम्हारे वैगनार में ऐसी जगह घुसा रहा हूँ और निकाल रहा हूँ, लोग को ट्रस्ट होगा कि वैगनार कहाँ कहाँ चली जाती है, ये टीन का डब्बा कहीं भी निकल लेता है। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। गाइस कोई था यहाँ पे, एंड मैं लाइट ऑन की, कोई था मैंने गेट लॉक कर दिया, मैंने गाड़ी क्या स्टार्ट कर रखी है और जिस तरफ पे कोई था वो देखो वो देखो वो देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये कोई है यार, ये कौन है? ये देखो भाई ये पिक्सल फट जाएंगे, बट वो देखो वो वहां पे यहाँ पे कोई था एंड आई डोंट नो कहाँ गया, बट इस तरफ कोई था अब वो नहीं पता, कोई शख्स था, कोई आत्मा थी, क्या था, बट यहाँ की तरफ एंड वो सडनली वो पता नहीं कहाँ गया यहाँ से। गाइस मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है और सामने की तरफ ना कुछ था और वो आगे तरफ जाके कहाँ गायब हुआ कहाँ गया नहीं पता, बट कुछ है, कुछ अजीब सा है और वो वहां से गायब। कुछ आवाजें भी आ रही हैं, कहीं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट चैलेंज लिया है तो उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा यार। ये कब खुलना बंद होना किसको भी नहीं दिखना, अजीब था। और वो सामने कोई दिखा, उसको कुछ वाइट वाइट सा, वो उसका फिर जंगल के अंदर गायब हो जाना वो अजीब था। अब नींद तो नहीं आ रही है बट टाइम तो बिताने आ रहे हैं यहाँ पे, पूरे ना हाँ पूरी ठंडी लग रही है, पैर में ना ऐसा लग रहा है कि बर्फ के अंदर है पैर, इतनी ठंडी है यहाँ पे इन जंगलों के अंदर यार। अब खुद सोच सकते हो जंगल में बैठा हूँ, मेरे को पास इतना वो नहीं था कि यार इतनी ठंडी हो गई यहाँ पे, बट इतनी ठंडी है यहाँ पे। कोई जानवर आ गया आई थिंक यार।
सीआरवी और गाड़ी के ऊपर चढ़ गया थी। हट हट उतर गया। आई थिंक कोई सीआरवी था वो उतर गया। मैं सोने का नींद तो नहीं आ रही बट ट्राई कर रहा था, कोठक से कुछ आवाज़ आई मुझे, बिल्कुल ठक कर रहा है, शायद सी आर वी आर होगा एंड मेरी नींद खुल गई। ये आवाज़ सुन रहे ऊपर से नीचे करते ही किसी लड़की की रोने हंसने की आवाज़ आ रही है यार, किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं कौन है यार, मैं चीज सामान करता हूँ यार और मैं सोने का ट्राई करता हूँ। मतलब आवाज वाज तो कुछ आ नहीं रही है, लाइक वो किस उड़ैल की आवाज़ ऐसे कुछ में से वसने की आवाज़ आती वो सब तो नहीं आ रही है फिलहाल, बट जंगली जानते घूमने से जंगली से करो कोई ना कोई जंगली आपको आवाज़ आ जाएगी जंगली जानवर की। जंगल है, जंगली जानवर है यहाँ पे एंड उनकी आवाज़ आने स्टार्ट हुई। इसको बंद कर रहा हूँ शीशे को, बस लगे चार बज के 11 मिनट टाइम हो गया है, कुछ घंटे मुझे और बिताने हैं यहाँ पे इस चैलेंज को करने के लिए। और मेरे को बहुत जोर के सोसू भी आया है, मैं डर के मारे नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दिन हो जाए तभी करूँगा क्योंकि बाहर जंगली जानवर कुछ भी हो सकते हैं गाइस, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल यार, बस वेट करता हूँ सुबह होने का एंड जल्दी से हो जाए बस यही मैं चाह रहा हूँ। इंतजार के बाद रात भर मैं सोई नहीं, वो चीज़ें देख के जंगली जानवरों की आवाज़ और कोई था वाइट वाइट सा वो दिखा, कंफर्म नहीं हुआ, मोमबत्ती कुछ कैंडल कुछ भी समझ नहीं आया, मैं सोया नहीं, मैंने ऐसे था बस जगा था ये कर रहा था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मैं ना अगर आपको दिखाऊंगा तो गाइस दिन हो चुका है और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये चैलेंज मैंने पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सॉरी गाइस बट ना सच में मेरे को नींद आ रही है, बस मेरे को ये कि मैं घर पहुँच जाऊँ। अगर चैनल पे पहली बार हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ओम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कि आपको क्या कोई और चैलेंज चाहते हो मैं करूँ तो वो भी मेरे को बताना। मैं सर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।